हेलो दोस्तों, टेक्निकल खान साहब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि अभी टिकटॉक पर बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो गाइज, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक आईडी का फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और गाइज, नहीं मिल रहा है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर काइन मास्टर का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन कर रखा है। और गाइज, ओपन करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक प्लस का आइकन दिख रही है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर ले, और देन क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए, हमें ये सेकंड वाला आइकन यहाँ पे देखिए, एक 9x16 वाला ये आइकन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे देखिए हमें एक मीडिया का आइकन ये दिख रही है ऊपर वाला, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। और क्लिक करने के बाद गाइज क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला एक ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ से इस ब्लैक बैकग्राउंड को ऐसे बड़ा कर लेना है, वीडियो के मुताबिक जितना बड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे गाइज, उतना बड़ा इस बैकग्राउंड को बड़ा कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएंगे। और आने के बाद गाइज क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखिए एक लेयर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए फिर ये फर्स्ट वाला आइकन मीडिया का एक आइकन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। और गाइज क्लिक करने के बाद गाइज हमें एक वीडियो ले लेनी है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वो वीडियो है, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिए। और देन ऐड करने के बाद गाइज क्या करना है हमें, यहाँ इस वीडियो पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से हमें ये सेकंड वाला आइकन यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो है इसमें पूरा एडजस्ट होगा, उसके बाद देन यस कर देना है। उसके बाद देन यहाँ पे एंड में आ जाना है ऐसे। और एंड में आने के बाद गाइज इसका जो इस वीडियो का अदर पार्ट है, यहाँ से कैंची वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट अप प्लेहेड करके काट देंगे ऐसे। और उसी तरह इस बैकग्राउंड को भी इस कैंची वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट अप प्लेहेड करके इसे भी वैसे काट देना है। उसके बाद क्या करना है गाइज हमें, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे कहीं भी आ जाइए गाइज। उसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैंची वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट एट प्लेहेड करके इसे दो भागों में मतलब काट देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आप जो फोटो मतलब लगाना चाहते हैं वो, और उसके बाद काटने के बाद यहाँ पे हमें इस फोटो को यहाँ पे जो लगाना चाहते हैं वो फोटो को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए फिर हमें लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर मीडिया पे। और गाइज आप जो फोटो मतलब लगाना चाहते हैं वो फोटो के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देन चलिए मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको यहाँ पे कोई सा भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं ये वाला ही फ़ोटो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके देन दिखा दे रहा हूँ, ये वाला। चलिए ये वाला फ़ोटो यहीं आपको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देन इस फोटो को हमें ऐसे बड़ा कर लेना होगा। और बड़ा करने के बाद गाइज क्या करना है हमें, इस वीडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर हमें थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से हमें थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड वाला ये जो आइकन दिख रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट, हमें ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर लेना है ऐसे। और क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर हमें आ जाना है। और आने के बाद गाइज क्या करना है हमें, ये जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन, हमें इस वीडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे आ जाना है, क्रोमा की का एक आइकन दिख रहा है गाइज, क्रोमा की, इस पर क्लिक कर लेना है। और देन इस हमें क्या करना है, इसे इनेबल कर देना है ऐसे। और इनेबल करने के बाद गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो की कलर नीचे दिख रहा है, ये की कलर, इसे हमें यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। ये जो की कलर है यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ये गाइज ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, तो हम की कलर यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। और देन उसके बाद यस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो है मतलब बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब उस क्या करना है, इस फोटो का हमें ऐसे छोटा करना होगा ऐसे, और छोटा करके इस जो आईने में हमें यहाँ पे लगाना होगा ऐसे ऐसे, हमें आईना में मतलब लगाना होगा अपने फ़ोटो को। तो ऐसे हम फोटो को ऐसे हम देन लगा लेंगे। तो देखिए गाइज ये फ़ोटो बस लग गया। अब इसे हम क्या करते हैं, देखिए ये जो फ़ोटो है यहाँ पे ये लग गया है। अब इसे हम थोड़ा इस फ़ोटो को ऐसे बड़ा भी कर लेना होगा ऐसे। तो देखिए ये फ़ोटो गाइज इसमें मतलब इस आईने में यहाँ पे फ़ोटो ये लग गया है। उसके बाद गाइज क्या करना है, अब हमें इसे वीडियो को क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है गाइज, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ऑडियो फेड आउट है, इसे हम क्या करना है ऑफ कर देना है ऐसे। देन उसके बाद यस कर देना है। उसके बाद गाइज क्या करना है हमें, सिंपल सा इस वीडियो को तो बन के तैयार हो गया ये वीडियो। अब इसे मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ।
देखिए गाइज, ये तो वीडियो हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें सेव करने के लिए क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे देखिए एक शेयर का आइकन दिख रही है, इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो को जो क्वालिटी हमें यहाँ पे 720 ही सिलेक्ट रहने देना है, 720 मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देन यहाँ पे ये जो है हमारा ये 30 ही रहने देना है। उसके बाद देन यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सपोर्ट के नीचे ये आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो देखिए गाइज, ये जो वीडियो हमारा फाइल में सेव हो रहा है, यानी कि ये सेव हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।